नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। लगातार बढ़ती गर्मी और मौसम विभाग के द्वारा दी गई चेतावनी अब लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनने जा रही है। जी हां, क्योंकि एक बार फिर से मौसम विभाग ने 3 दिन का हाई अलर्ट जारी किया है और कई गंभीर बीमारियों के लोगों के चपेट में आने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा 3 दिनों का लू के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बिहार में अब गर्म हवाएं शरीर की नमी सुखा रही है। ये स्थिति नसों में ब्लॉकेज बढ़ा सकती है। इससे ब्रेन स्ट्रोक से लेकर हार्ट चोक करने का खतरा बढ़ गया है। राजधानी पटना सहित राज्य के 8 जिलों में स्थिति बेहद खराब है, जहां पारा 40 के पार पहुंच गया है और गर्म हवा की रफ्तार भी 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच गई है। मौसम विभाग के साथ डॉक्टरों ने इस मौसम को लेकर आम जन को अलर्ट करते हुए विशेष सावधानी बरतने को कहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक राज्य को दक्षिण बिहार में लू का हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में गर्म पश्चिमी हवा का प्रवाह जो है तेजी से हो रहा है। कई जिलों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्म और तेज रफ्तार में चल रही पश्चिम हवा के प्रभाव से अगले 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा। बक्सर, भोजपुर और पटना में लू को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के 8 जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना से लेकर राज्य के 8 जिलों में गर्मी परेशान करने वाली है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई तो सेहत पर काफी भारी पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक लू को लेकर हाई अलर्ट तो जारी किया ही है। साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में लू चलने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। मौसम विभाग की तरफ से आम लोगों को सेहत की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि राज्य के लू प्रभावित इलाके, खासकर दक्षिण बिहार में दोपहर में घर से बाहर नहीं निकले, चेतावनी दी जा रही है इसको लेकर। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है कि तरल पदार्थ का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। खासकर मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में राज्य के 19 जिलों में आफत की वेव होगी। मौसम की मार की चपेट में 19 जिलों को लेकर अलर्ट है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में गर्मी व तेज गर्म हवा की रफ्तार सेहत पर भारी पड़ सकती है। वहीं अगर कुछ जिलों की बात कर लिए जहां पर जो हवा की रफ्तार है और दोपहर में तापमान की अगर बात कर ले तो बांका 41.9 डिग्री सेल्सियस और यहां 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। और सबसे तेज हवा चल रही है बक्सर में। यहां का तापमान जो है दोपहर का 40.4 डिग्री सेल्सियस है और जो यहाँ प्रति किलोमीटर घंटे की जो रफ्तार है 15 किलोमीटर प्रति घंटे हवा, गर्म हवा की रफ्तार चल रही है। वही अगर पटना की बात कर ले तो 41.4 डिग्री सेल्सियस दोपहर का तापमान है और यहाँ गर्म हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। साथ ही आपको बता दें कि पटना के डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में शरीर में नमी जल्द खत्म होती है, ऐसे में लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिस इम्बैलेंस हो जाता है, यह काफी खतरनाक स्थिति होती है। ऐसे मौसम में लोगों को पूरी तरह से सावधान और सतर्क होना चाहिए और पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर पानी की कमी नहीं होने पर काम किया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि शरीर में पानी की कमी होने के कारण ही ब्रेन में स्ट्रोक के साथ नसों में ब्लॉकेज का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का और तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो अगर खासकर बात करें जो कुछ ज़िले हैं, खासकर उसमें पटना भी आता है, यहाँ पर जो दोपहर में जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में ज़रूरत पड़े और ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी दोपहर के वक्त घर से बाहर निकले। कोशिश करें कि आप घर में ही रहें, वरना अगर आप दोपहर में निकलते हैं तो आपके जान पर खतरा मंडरा सकता है। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।